दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त शशि भूषण गर्ग। आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल इंडस्ट्रियल प्लाट ऑन यमुना एक्सप्रेस वे। प्लॉट और प्रॉपर्टी भी शादी की तरह, किसको क्या मिलता है साला नसीब है इसके अंदर भी। मैं आपको यही प्रूफ करूंगा कि नसीब कैसे है कि एक बार किसी आदमी ने कहा कि हे प्रभु मुझे पैसे दो। वो थोड़ा आगे बढ़ा, देखा कि एक आदमी की टांग कटी थी, उसने वो कह रहा था हे प्रभु मेरे शरीर ठीक हो। आगे गया कि आदमी की दोनों टांगें कटी थी, वो कह रहा है प्रभु मुझे रोटी देता रहे। तो ये कहानी देखिए प्रॉपर्टी में लागू होती है। ये मेरे सामने सेक्टर 95 में यूनिटेक का प्रोजेक्ट है। यूनिटेक कंपनी ने गड़बड़ की इंसॉल्वेंसी में, NPCL में है। तो ये देखो झाड़ झुंबड़ खड़ा, करोड़ों रुपए के टावर हैं ये। सेक्टर 95 नोएडा उत्तर प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट गौतम बुद्ध नगर। और मेरे सामने सेक्टर 45, जिसमें मैं आपको दिखा रहा हूँ अमरपाली, अमरपाली चोर, अमरपाली कूते का बच्चा, अमरपाली। देखो जिन्होंने लोगों के बेचारों के खून पसीने की कमाई लूट के दुबई भेज दी। तो ये अमरपाली का प्रोजेक्ट है सेक्टर 45 में। देखो ये नसीब है कि लोगों ने भी पैसे दिए अमरपाली में, पर ये वाला मिल गया। देखो अमरपाली सफायर, देखो जी इनका तो काम बढ़िया हो गया। ये तो अपने घरों की साफ सफाई करके दिवाली मना रहे हैं। देखिए जी कितने शानदार घर हैं, मस्त फ्लैट हैं ये सेक्टर 45 अमरपाली के अंदर। देखिए ये मौज मार रहे हैं सारे, खुले खाते हैं, नंगे नहाते हैं नीले आसमान के तले। देखिए क्या शानदार आसमान का व्यू देख रहे हो आप। शानदार सड़कें, शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर, चौड़ी चौड़ी सड़कें, 130 मीटर रोड, साथ में पाइपलाइन फ्री, नदी नाले फ्री। तो ये है नसीब आपका। देखो जिन्होंने यूनिटेक में लगाए, कोई ऐसा तो नहीं पागल थे। तब यूनिटेक आज से 10 साल पहले टॉप पे चल रही थी, ये सेप्ट्रम ले रहे थे, ये टेलीकॉम में आ रहे थे। शेयर इसका 60-70 रुपये था इसका, हमने भी खरीदे हुए हैं, इसका IPO में भी लगाए हुए हैं। तो ये आपका नसीब है। पर कोशिश करो जैसे मैं कहता हूँ कि ये सारे बिल्डर ही चोर हैं। मान लो आपकी खुजली है, जैसे कहते हैं ना खुजली होती है कई बार आदमी के, जैसे खुजली होती है सिगरेट वालों को, दारू वालों को, जुआ खेलने वालों को। तो अगर खुजली है तो ले लो, मैं कोई मना ही नहीं करता इनका, ले लो। पर इन्हें बोलो भैया मुझे पहले ये दिखाओ तुमने थोड़ी के पूरे पैसे दिए हैं, कुछ चोरी चीटिंग चकारी तो नहीं की। 100% पे आउट होना चाहिए थोड़ी का, उसके बाद सारे पेपर चेक कर लो, हैंडओवर ले लो, रजिस्ट्री ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, लोन करवा लो। पर बुकिंग वाकिंग का मामला तो बहुत ख़राब है। तो ये नसीब है, देखो जी ये बेचारे आराम से रह रहे हैं, खा रहे हैं। ये देखिए जी मौज मस्ती भी चल रही है जी, रेडी जिंदाबाद। क्या इसकी वो कहते हैं ना बगल में वो छल्ले वाली गाड़ी आ रही है, क्या इसकी मौज करेगी बिना पानी के चलने वाली। ये देखो ये ऑडी जा रही है और ये अपन हिंदुस्तान जिंदाबाद, ऐसे ज़िंदगी के नज़ारे लूटे जा रहे हैं जी। जिन्हें नज़ारे लूटने कहीं भी लूट लेते हैं। तो वही दोस्तों, आप अपने इन्वेस्टमेंट करें बुद्धिमानी से करें। यहाँ पे आपको रेट मिलेगा मेरे ख्याल से 7 से 8 हज़ार रुपये स्क्वेयर फुट। थोड़ा सा ग्रेटर नोएडा चले जाएंगे, यहाँ से 20 मिनट का ड्राइव है तो 4 हज़ार का। ग्रेटर नोएडा में भी थोड़ा सा आगे मिशिगन में बढ़ जाएंगे तो 2500 रुपये स्क्वेयर फुट का रेट है। आपको अगर फ्लैट चाहिए तो फ्लैट में रहिए, लैंड चाहिए तो लैंड में रहिए। अपना प्यार बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।